हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीएस मास्टर और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वो जबरदस्त प्रोग्राम जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के वो चुने हुए क्वेश्चंस उठाते हैं जो बने हुए होते हैं हेडलाइंस और हमारे लिए बन जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए साथियों, 14 नवंबर 2017 के वो चुने हुए क्वेश्चंस हम लोग उठाते हैं जो हमारे लिए हैं बड़े महत्वपूर्ण। आज का पहला क्वेश्चन यानी 14 नवंबर 2017 का वो पहला क्वेश्चन एक पहेली है। ये पहेली है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, लेकिन इस बकवास के पीछे मेरा एक तर्क है और इसके पीछे एक बड़ा क्वेश्चन छिपा हुआ है। चलिए फिर से एक क्वेश्चन, रसगुल्ले का इन्वेंशन आज इजाद कहां हुआ। दरअसल रसगुल्ले के मूल स्थान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच जंग छिड़ा हुआ था। ओडिशा ने इस पर अपनी दावेदारी पेश की और एक कमेटी गठित कर यह साबित करने का प्रयास किया कि शताब्दियों वर्ष पूर्व ओडिशा में पहली बार रसगुल्ला का निर्माण हुआ था। लेकिन आप जानते हैं रसगुल्ला या रोशोगुल्ला बंगाल की पहचान है, ऐसे में दोनों राज्यों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की और ये दावेदारी पेश की गई कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क चेन्नई के हेडक्वार्टर में। इससे संबंधित एक एक्ट भी आ चुका है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में ये गीगा एक्ट बना, जिसमें ये कहा गया था कि किसी वस्तु के उसके मूल स्थान से संबंधित जो अधिकार हैं वो चेन्नई स्थित मुख्यालय में हल किए जाएंगे। और इससे संबंधित अब लड़ाई को जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। अभी कुछ घंटे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि रसगुल्ला पर उनकी विजय हुई है और यह साबित हो गया है कि रसगुल्ले का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। दरअसल बंगाल ये मानता है कि 1868 में नवीन चंद दास ने सबसे पहली बार रसगुल्ला बनाया था। तो साथियों, इसे हमें याद रखना है, शायद ये एक क्वेश्चन बन जाए और ये एक अनोखा क्वेश्चन किसी दूसरे रूप में भी आ सकता है इसे संबंधित एक्ट या इसके हेडक्वार्टर को लेकर जो कि चेन्नई में है। ऐसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पर 250 से ज्यादा वस्तुएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जैसे बनारस का पान, बनारस की साड़ी, देहरादून का बासमती राइस, दार्जिलिंग की चाय, आगरा का पेठा या मथुरा का पेड़ा। साथियों, ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, भौगोलिक पहचान की वस्तुएं हैं और इनका खास महत्व है। और इसे संबंधित एक प्रश्न इस साल सिविल सर्विसेज में भी आया। आप इस साल सिविल सर्विसेज के 2017 के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे इसे संबंधित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। इसकी बात अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो साथियों, आज का अगला क्वेश्चन, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल कहां आयोजित हो रहा है। विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर है रशिया यानी रूस। यह इसलिए आज प्रासंगिक हो गया है क्योंकि इससे संबंधित क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं और आज एक बड़ा उलट फेर हुआ, इटली वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, यानी इटली अगले साल के वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, जबकि 1958 से लगातार वर्ल्ड कप खेलता रहा है इटली और 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। तो साथियों, एक बड़ा उलट फेर है, ऐसी बड़ी टीमें भी हार चुकी हैं जो वर्ल्ड कप 2018 में नहीं खेलेंगी। दरअसल विश्व में 193 आधिकारिक देश हैं और यूरोप का तो हर छोटा देश भी फुटबॉल की बड़ी टीम है। इस मामले में हम लोग थोड़े पिछड़े हैं और भारत की रैंकिंग लगभग 100 है। भारत फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया है। तो साथियों, इसका आयोजन 2018 में रूस में होगा। आज का अगला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तय है, आना ही है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है और शायद आप जान भी रहे होंगे।
साथियों, आसियान का शिखर सम्मेलन यानी आसियान समिट 2017 आज ही कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। आसियान वर्ल्ड के 10 टॉप के देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसमें 10 देश सम्मिलित हैं। और इसका हर साल शिखर सम्मेलन जहां भी होता है वो एक बड़ी खबर बन जाता है। इसमें कुछ बड़े देशों को, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना जैसे देशों को भी गेस्ट कंट्रीज के रूप में बुलाया जाता है, जबकि इसके देश जो आधिकारिक देश हैं आसियान के उनकी संख्या 10 है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनेई आदि। तो आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसका 31वां समिट यानी शिखर लेवल का सम्मेलन अभी जस्ट आज ही समाप्त हुआ है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो इसे हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दूसरा इसमें कितने देश हैं, तीसरा इसकी पहली बार स्थापना कब हुई थी और इसमें देशों की संख्या कितनी है और ये किस प्रकार के देशों का संगठन है, यानी इसका फुल फॉर्म है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान। तो इसे हमें जरूर जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अगला क्वेश्चन जो है कि चौथा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आज के दिवस से, आज 14 नवंबर है, हर साल 14 नवंबर हम लोग बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हर साल चिल्ड्रंस डे हम लोग किसके उपलक्ष में मनाते हैं, यानी किसे याद करते हुए मनाते हैं, किसके किसको हम लोग आधार मानते हुए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, उन्हें चाचा नेहरू के रूप में बच्चे बुलाते थे और इसीलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बाल दिवस या नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। साथियों, आज का पांचवां और छठा क्वेश्चन जो कि है एक रिविजन क्वेश्चन, आज का पांचवां क्वेश्चन है, स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बन चुके हैं। स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, सरकारी कॉमर्शियल बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसकी चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य बहुत सुर्खियों में रही चूंकि पिछले कुछ साल बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़े उथल पुथल रहे, ऐसे में नए चेयरमैन का आना हमारे लिए एक खबर है, एक इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है, रजनीश कुमार। अब आज का आखिरी सवाल, VVPAT क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर है वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। पिछले दिनों चुनाव आयोग पर यह इल्जाम लगे कि उसके EVM मशीन से छेड़छाड़ की जा रही है और किसी खास दल के लोगों को वोट जा रहा है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अब यह व्यवस्था की है कि EVM के बगल में एक प्रिंटर जो कि VVPAT होगा, यह मशीन रखी जाएगी जिससे अब वोट करने के बाद एक पर्ची निकलेगी और इस पर्ची से यह कंफर्म होगा कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को वोट पहुंचा है। तो इसे हमें याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स भी आ जाते हैं। अब साथियों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और अपने कीमती कमेंट्स जरूर दें। आखिरी में मुर्गी और अंडे वाला जो पजल था उसका जवाब भी सुनते जाएं। तो इसका आंसर है, साइंस ने यह साबित किया है कि दरअसल पहले अंडा आया तब मुर्गी आई। अब आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करूंगा, आपको ये बताते हुए कि अगर आपको हमारा चैनल खोजने में दिक्कत होता है तो आप लिखकर या बोलकर ये सर्च करें
10 हॉट करंट क्वेश्चंस। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाजत दें, टेक केयर।